सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अनीता बकिया, स्वागत आपका देव भूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ से। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही शाम के करीबन 6 बजे से, और जो कि अभी तक मैं लकड़ियों के लिए जा रही थी और जंगल में मतलब ब्लॉग नहीं बना पाई, और वहाँ ना पूरा तष्ट नष्ट हो गया। सी हो रही है ना, क्या ही बोले, क्योंकि उस टाइम में ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि लेट गए हम, फटाफट से गए, और क्योंकि जंगल के लिए देर होना था क्योंकि लकड़ियाँ फाड़ रखी थी वहाँ पे, मतलब जो कि शुक्र ये है कि बच गई लकड़ियाँ आग से, क्योंकि आग ना उसके बाद लगी जब पहले लकड़ियाँ फाड़ दी थी उन्होंने, मतलब जिनकी लकड़ियाँ लाई हमने। तो अभी लेके आ रही हूँ मैं मिर्ची दादी घर के यहाँ से, जिनके मैं लकड़ियों के लिए जा रखी थी और मिर्ची लेके आए, और थोड़ा बहुत और बारिश होती तो अच्छा था, और उसके बाद ना अच्छी फसल भी होनी थी, और जो मिर्ची टमाटर के पौधे हैं, गोभी ऐसे करके है ना, वो सब जम जाने थे अगर थोड़ा बारिश होती हो, और अगर नहीं होगी तब तो बेकार ही है। कहीं बहुत सारी जगहों में ऐसा है कि पानी नहीं आ रहा, और हमारे घर में तो हाल फिल तो आ रहा है आजकल, लेकिन देखते हैं कि ये मिर्च लग पाएंगी या नहीं लग पाएंगी। तो पूरा पानी फेर फेर करता है कि पानी आएगा तो लगेगी और नहीं आएगा तो फिर इतनी मेहनत से क्या रखी उन्होंने भी। ओ मेरे पानी है माँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, और हम भी बढ़िया हैं। तो दोस्तों, ये है अगला दिन, जो कि कल ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाए तो आज करेंगे कंटिन्यू ब्लॉग। तो मैं रेडी सेडी हो गई हूँ जाने के लिए, जा रही हम ससुराल, कांची के ससुराल। अपने ससुराल में तो हूँ लेकिन कांची के ससुराल में जा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है यार, बस ऐसे ही टाइम पास नहीं हो रहा ना, तो दिन में सोना 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 सोना, कब तक सोना, कभी सोना है, कब तक सोना है, कभी कभी अपनी शॉपिंग करनी चाहिए। तो मैंने सोचा है थोड़ा बहुत सज लू, सवार लू, एक दो रील्स बनाई जाए और थोड़ा फोटो शॉट, और उसके बाद फिर देखेंगे क्या क्या हो। इस एक चीज की कमी यह है कि मैंने नथनी पहनी है, तो पहले नथली पहनते हैं, अपनी पहाड़ी नथली पहनते हैं पहले। ये देखो, ये है कांची की नथली। ओ ठंडी धार पानी की छलार मम्मी ने क्या पहन लगा है, पहली पहली बार देख मम्मी खींच खींच वो उठ गया, वो सोया था, मैंने बोला जब तक आ रहे थे और अब से सोए है ना, तब तक थोड़ा बहुत ये हो जाए, अब से गौर के देख रहा हूँ मम्मी को, मम्मी ने क्या पहन रखा है, तेरी बुआ की शादी में पहने हैं हम ऐसे। अपनी यहाँ मतलब जब शादी होती है ना, अपने यहाँ मतलब जैसे अपने घर में यहाँ ससुराल में होती है ना, वैसे मतलब ज्यादा शादी में सवारने का टाइम नहीं मिलता है, और अपनी भैया की शादी में करूंगी मैं फुल मस्ती, फुल एंजॉय सब। चलो दोस्तों, थोड़ा रील्स वगैरह भी बना ली है, बाल बाकी अब कांची की बारी है पहनने की। नहीं, कांची ने तो पहन रखा था ये पहले, और सपना ने भी परसों पहन रखा था, मैंने सोचा कि मैंने जो मतलब हम कपड़े ट्राई करते हैं ना, मतलब साड़ी वगैरह हो गए, ऐसे लहंगा वगैरह, तो सब करते हैं ट्राई आगे से पीछे लेकर सब, तो मैंने सोचा मैंने नहीं कर रखा ये ट्राई, तो इसलिए मैंने भी ट्राई कर लिया आज, अच्छा लग रहा। तो क्या मालूम मैं कहीं मतलब किसी की शादी हो गई तो किसी की शादी में लेके जाऊँ मैं इसे बराती, तो देखते हैं। कांची ने भी, कांची तो लेके गई थी उसे बराती में, और सपना नहीं लेके गई, सपना ने भी पहनना था ये मतलब बड़ी वाली नानंद की शादी में, अब मेरी बारी है इसको ले जाने की, अब जहाँ शादी होगी ना तब मैं पहनूंगी इसे शादी में, और सेम ऐसे ही लगूंगी, क्या मालूम थोड़ा चेंज चीज भी लगे मैं अपने दोस्तों के साथ। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और बने रहिएगा जी आगे तक हमारे चैनल पर, अभी तक मतलब ब्लॉग कंटिन्यू रहिएगा। तो चलिए जी, ये देखो
इसने ना ये इसको दिया नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, बल इसको पहनते पहनते, और परसों भी पहना था और आज भी पहन लिया है फिर से। फोटोग्राफर है कांची, मुझे तो सोने भी नहीं देते। हाँ अभी तक मेरी फोटोग्राफी की इसने, और अभी ना इसकी को भी करने लगे, ये देखो कैसे पोज मारते हैं। अपना आज पहन इतना तो क्या बोलते उसे, क्या बोलते लहंगा को, और फिर इसके बाद पहनेंगे अपनी शादी में। हाँ ले लो आइसक्रीम, ले लो आइसक्रीम, आइसक्रीम ले लो। नीचे से मामी बोली क्या किस चीज वाला आ रखा है, बोला करके आइसक्रीम वाला आ रखा है, कपड़े वाला आ रखा है, तो मैं बोली आइसक्रीम वाला आ रखा है, देखो एक आइसक्रीम, दो आइसक्रीम, तीन आइसक्रीम, आइसक्रीम ले लो। मैं आज नहीं देखो तेमाने पहना कहे, और हमारी भाषा में इसे तेमाने बोलते हैं, और ऐसा ना पहले चलता था जो कि गोल्ड का होता, इतने अपनी दादी के तेमाने पहना कहे, ये नकली है दोस्तों। ये सब देख रहे हैं, माँ धार से भी देख रही हैं, सब देख रहे हैं, ये भी देखने बैठे हैं, क्योंकि हमारा घर है ना जहाँ पे, यहाँ पे ना धार में और सुगा धार बोलते हैं, दो नाम है यहाँ पे, और पटाला भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है। अफगानिस्तान है कप्तान, है अफगानिस्तान है कप्तान, है अफगानिस्तान है कप्तान। तो दोस्तों एक कमेंट मुझे ऐसा भी आया था कि बोला करके, मतलब नाम तो मैं नहीं बोलूंगी, हम अजी जाएंगे जिनका कमेंट है वो भाई जी, तो फर्स्ट बात ये है कि उन्होंने बोला था कि जो उनका कमेंट था, तो ये था उनका कमेंट कि बोला करके आप गढ़वाली में ब्लॉग बनाओ और या तो प्योर हिंदी में बनाओ, ये करके मुझे कमेंट था, और उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी, मतलब उन्होंने मेरी भलाई की खातिर बोला होगा या कैसे करके भी बोला होगा, उन्हें ही पता होगा। तो फर्स्ट बात ये है कि मतलब हम पहाड़ी है, तो हम कितनी भी हिंदी बोलने की कोशिश करेंगे और कितनी भी मतलब गढ़वाली से आगे जाएंगे, मतलब हिंदी बोलने को, फिर भी हमारी गढ़वाली भाषा बीच में आएगी आएगी, ये करके जो हिंदी है, तो जिनको ना हिंदी आती होगी ना, वो कितनी भी इंग्लिश सीखने की कोशिश करे, फिर भी उनके भी मुंह में हिंदी आएगी आएगी। जैसे कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ, तो आधा से ज़्यादा बातें ना ऐसी होती है जो मैं गढ़वाली में भी आप लोगों को बोलती हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ कि जैसे कोई गढ़वाली होगा तो उनको मतलब उनकी भाषा में बोलती हूँ, मैं अपनी भाषा में बोलती हूँ, जो कि हमारी गढ़वाली भाषा होती है, उस भाषा में मैं बोलती हूँ कि हमारी भाषा में ये बोलते हैं, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट जरूर करना, तो इससे मतलब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती होगी तो मुझे तो कुछ नहीं होती है। और बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आप गढ़वाली में ब्लॉग बनाओ, दरअसल ये है कि अब मैं गढ़वाली में ब्लॉग नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि जो मेरा हिंदी मैं क्योंकि पहले से ही हिंदी में ही ब्लॉगिंग करती हूँ, तो इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ कि मैं हिंदी में छोड़ के मतलब गढ़वाली में ब्लॉगिंग करूँ, तो ऐसा अब हो नहीं सकता है, क्योंकि मैं अपनी भाषा भी यूज़ करती हूँ, और जो हमारी मातृभाषा है उसे भी हम भूल नहीं सकते, और भूलना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि आधा से ज़्यादा बात मैं अपनी गढ़वाली भाषा भी बोलती हूँ, और जो कि हमारे यहाँ बोला जाता है वो करके बोलती हूँ। उन्होंने बोला था या बल गढ़वाली में ब्लॉगिंग करो, या प्योर हिंदी, या दूध या कुछ और, घी थोड़ी ना है कि प्योर दो मतलब कि इसमें दूध पानी पूनी कुछ मत डालो, प्योर दो हमको, ऐसा थोड़ा ना होता। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, उम्मीद करते हैं आपको मेरे ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया होगा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले, और मैं अनिता बघेल मिलती हूँ आपको अपने अगले नए ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।